दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन से। ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसआई प्री एग्जाम 6 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, साथ ही छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, मेंसुरेशन से क्वेश्चन लाए जो कि विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन लेकर आए जो कि एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। ठीक है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। साथ ही गणित की क्लास 5 बजे डेली अपलोड की जाएगी। ठीक है, गणित की जो क्लास रहेगी 5 बजे अपलोड की जाएगी। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की रात 8 बजे और कंप्यूटर की क्लास 7:30 बजे। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके रख लीजिएगा। जो लाइक करेगा या सब्सक्राइब करेगा उसी को सिर्फ आज से नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए गणित की क्लास स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन से, जो कि व्यापम में विगत वर्षों से पूछे गए हैं और हर एग्जाम में आने की संभावना बनती है। ठीक है, ऐसे टॉपिक देखेंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावनाएं 70% से अधिक बन सकती है। ठीक है, तो देखिए 7 से 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मेंसुरेशन से पूछे जाने वाले सवाल, जो कि आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन से, जो कि एग्जामों में पूछा गया है। प्रश्न देखने से पहले एक बार समझ लीजिएगा कि 14 अक्टूबर नहीं है, ये 16 अक्टूबर है। ठीक है, 16 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। गणित की क्लास 5 बजे रहेगी, प्रतिदिन निःशुल्क रहेगा, डेली 5 बजे की क्लास रहेगी मेंसुरेशन से। ठीक है, चाहे एसएससी की तैयारी करो, व्यापम की, सीजीपीएससी की, बैंकिंग, पुलिस एग्जाम, कंप्लीट कोर्स के साथ 16 नहीं, ये आपका 18 अक्टूबर से। ठीक है, ये जो 16 अक्टूबर है वो आपका हो जाएगा एक नई बैच, लेकिन 18 अक्टूबर से प्लेलिस्ट के साथ बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस कराया जाएगा। ठीक है, गणित की क्लास सिर्फ 6 महीने के लिए आपको कोर्स कराया जाएगा। ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं बिल्कुल निःशुल्क है, डेली क्लास करते रहें 5 बजे की। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रहा होगा एक प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये परीक्षा के व्यापम में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप सभी को मैं फार्मूला बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, √3/4a² ठीक है, ये आपका फार्मूला है क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, मेंसुरेशन की क्लास कर रहे हैं, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ऐसा ही आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो a का मान कितना हो जाएगा, 8 है तो a का मान हो जाएगा 8 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो चलिए इसका मान रखते हैं। ठीक है, तो मान रखेंगे कितना हो जाएगा, √3/4a² a का जगह 8 का रखेंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। ठीक है, तो चलिए √3/4 यहाँ तक नोट कर लिए क्या, ×64। ठीक है, यहाँ तक हो गया 8×64। ठीक है, अब यहीं से इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 16×64 यानी कि 16√3। कितना आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा, 16√3। ये आपके ऑप्शन कौन से में दिख रहा है, तो आपके ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहेगा 16√3। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यह प्रश्न व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, कितना है, √6 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछा गया है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ऊंचाई का क्षेत्रफल के लिए √3/2a। ठीक है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए √3/2a का मान कितना दिया है यहाँ पर, √6। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये √3 और ये √6 कितने बार में जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a बराबर √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2, तो a का मान कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, a का मान √2 है, तो क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक
मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं कैंसिल कर दिया हूँ, तो ए का मान कितना आया आपका, इसको नोट कीजिएगा, ए का मान आपका आया है 2√2, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फार्मूला हो जाता है आपका, इसका फार्मूला आ जाएगा √3/4a, ठीक है, √3। एक मिनट ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए √3/4a स्क्वायर, ठीक है, इसमें आप मान रखते हैं, ठीक है। तो √3/4a का मान रखेंगे, तो a का मान कितना है आपका, 2√2 आया था, ठीक है। तो चलिए मान रख लेते हैं, √3/4a का मान कितना आया था आपका, मान रख लेते हैं, अब यहाँ मान रख लिए, ठीक है। अब इसका चलिए तोड़ते हैं, इसका वर्ग पूछा है, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो √3/4 × 4 × 2, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या। अब यहाँ से काट देते हैं इसको, ये 4 कट गया और ये 4 कट गया, बचा कितना, 2 और ये √3, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2√3। ये आपका आंसर आ चुका है, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपके ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न दो बार आया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर प्रत्येक इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, यह एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब आप समझते हो ना, समबाहु यानी कि दो भुजाएं समान होनी चाहिए, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर x बराबर, ठीक है, x मान लेते हैं, ठीक है, इसको x अगर मान लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, तो x+2 हो जाएगा, ठीक है, x+2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ कॉपी में नोट करते चलिएगा, इसके लिए फार्मूला में बता दिया था √3/4, ए का मान कितना निकल कर आया था, x+2, ठीक है, x+2 आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, √3/4 x+2 का स्क्वायर माइनस √3/4 एक्स स्क्वायर बराबर 2√3, ठीक है। तो ना चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, इसको नोट करते चलिएगा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हो चुका। देखिए √3/4 x+2 का स्क्वायर, ठीक है, x+2 का ये स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, उसके बाद माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2√3, यहाँ तक नोट कर लिए क्या। अब देखते हैं सो, ठीक है, तो √3 यहाँ तक क्लियर हुआ, √3/4 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं, ठीक है, इसको यहाँ तक क्लियर हो, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, ठीक है, मैं तोड़ के लिख सकते हैं, उसके बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर √3/4 यहाँ तक क्लियर हुआ, √3/4 2x+2, ठीक है, x+2 ये आपका कोष्टक में हो जाएगा 2, और ये आपका 2√3, तो ये आपका 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक हुआ सॉल्व। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2x जो बचा है ये वाला कैंसिल हो चुका है, ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है ना, 2x+2 बचा =4, ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये आप पक्षांतर कर लेंगे कितना हो जाएगा, 4 − 2, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर आपका 2 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन आप देख सकते हैं, x बराबर 1 आ चुका है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।